प्यार से कहना धन्य रंकार जी, असौरी राग में चौपाए है पवन चरणों में। जब नागपास को काटते हैं गरुड़ जी तो शंका में पड़ जाते हैं कि ये भगवान कहाँ से हो सकते हैं जिनका नागपास मैंने काटा है, तो कई देवताओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ पास, शिव जी के पास, सबसे पूछते हैं, उनको कोई उपाय नहीं मिलता। वो जवाब दे सकते थे लेकिन ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, सबको याद था कि कोई आदमी अगर शंका में पड़ा और उसको समझाए तो और ज़्यादा शंका के प्रसन्न करेगा, इसलिए उसका अलग ही उपाय उन्होंने बताया कि शंका का निवारण कैसे हो। तो काकभूषण जी की जो रामकथा हो रही थी वहाँ जाने की बात कही, वहाँ गरुड़ जी पधारे तो प्रसंग चल रहा था। निज अनुभव अब कहे हूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। राम नाम चिंता मणि सुंदर बसई गुरुड़सा, केवुर अंदर। इससे कोई बड़ी मणि नहीं है, जो ये चिंतामणि है ये राम नाम, राम नाम चिंतामणि सुंदर बसई गुरुड़ जाके उरंदर, जिसके हृदय में बसती है उसको बोला चिंता कहाँ रह सकती है, चिंता कहाँ टिक सकती है। तो यहाँ पर जो बल दिया गया है वो सिमरण पर है, दातार कृपा करे हैं। वैसे तो सतगुरु ने भेद और भ्रांतियाँ मिटा दी है, फिर भी दैनिक जीवन में हम संसार में रहते हैं तो जो छोटी मोटी आती है उनका निवारण सिमरण है, प्यार से करना धन्यंकार जी।